आदाब, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर। तो मैं गई थी सुबह टहलने और आज आप सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है। आज है एक जनवरी और सन 2024 का पहला दिन। सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ। मेरा तो सन 2023 बहुत ही बेकार गया था स्टार्टिंग में, मगर मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि अब वो दिन किसी के भी लाइफ में। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नया साल मंगलमय हो, नए साल में बहुत सारी खुशियां आए। और इस टाइम पर बजे हैं सुबह के 6, मैं टहल के आ गई हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, बस पास ही में गई थी, टहल आई हूँ। और आज आप लोगों को दिखाऊंगी अपना मंदिर। तो फिलहाल अभी तो नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी मंदिर, कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था वैसे मैंने प्रॉमिस पूरा किया कि नए साल में कुछ नया होने वाला है। और बिट्टू देखो मेरी पढ़ रही, बिट्टू बोलो हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से बोलो हैप्पी न्यू ईयर। मैं पढ़ाई कर रही हूँ बेटू, तुम बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोलो बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, उठ के बैठो, उठ के बैठो। और ये मेरे पति देव जी मोबाइल चला रहे, आप भी ऐसे कर दो। अरे ठीक, ऐसे कर दो, एक बार ऐसे देखो। अरे ठीक है, तो ऐसे कर दो। और अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करने, तो आज किचन में कुछ स्पेशल बनाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो मैं नहा धुल ली हूँ और अब जा रही हूँ किचन में। और किचन में आज स्टार्ट करूँगी मीठे से। तो मीठे में मैं बनाऊँगी सबसे पहले खीर। ये देखिए चावल को भिगो के रख दी हूँ और इधर मैंने घी थोड़ा सा डाला है चावल को रोस्ट करने के लिए, फिर बनाऊँगी खीर। तो आज यही बनेगा, खीर पूरी सब्जी सब। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हो मैं किचन में जैसे कि आ ही गई हूँ, तो मैंने आज सबसे पहले बाहर जाके टहल के आई, फिर उसके बाद बच्चे को जगाए, बच्चे सारे उठ के मेरे पढ़ रहे थे, फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने किया, झाड़ू वगैरह सब मारे। और फिर उसके बाद मैंने कहा सुबह सुबह नहाती हूँ, नहा धुल के सारा काम करके मंदिर का मतलब पूजा पाठ करके सब कुछ, उसके बाद किचन में मैं आई हूँ। तो मैंने कहा आज स्पेशल बनाती हूँ, तो स्पेशल में मैंने बनाई थी खीर। तो मैं चावल पहले से भिगो के रख दी थी और इसको थोड़ा सा घी में डाल के रोस्ट कर रही थी और खीर बनाई थी। और साथ में मैंने बनाई थी रसेदार सब्जी। तो पनीर की सब्जी अभी परसों ही बनाई थी, जिसकी वजह से मैंने पनीर नहीं बनाया, मैंने आलू मटर टमाटर ही बनाए थे। हमने कहा चलो पनीर नहीं बनाती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे बिट्टू को शायद पानी गरम क्या कुछ था उसको देने गए, क्या कर रहे हैं बाबू। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो, तो यहाँ मैं वापस आ गई हूँ। और फिर यहाँ से मैं अब, दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और दोस्तों आज नए साल का पहला दिन है, तो दोस्तों मैं भगवान से यही कहूँगी कि जो सन 2023 में हम लोगों को दिखाएं वो किसी के भी लाइफ में ना आए। वो दिन बहुत ही बेकार थे, क्योंकि सन 2023 में स्टार्टिंग में ही मेरे भाई साहब चले गए थे। आज के दिन हमारे भाई साहब थे और 2 जनवरी को चले गए थे। वही मैं भगवान से यही कहती हूँ कितना बेकार दिन था, काश मेरे भाई साहब होते कितना अच्छा होता, सब कुछ बहुत अच्छे से होता। मगर कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। और दोस्तों इस साइड में सब्जी काटने लगी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इधर मसाले को मैं ग्राइंड कर रही थी, सब्जी वगैरह सब कट कर लेती हूँ और मतलब कट करके रख दी थी। उधर मेरा वो पक रहा था, तो ये मिक्सी में मैंने कहा चलो मसाले को अच्छा पहले लगाई तो सही से लगा नहीं था, फिर वापस दोबारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मसाला मैं ग्राइंड करके, और अब मैं इसमें बना रही हूँ खीर। तो उस साइड खीर था, उसमें मैंने
खीर में काजू और जो मेवे का था सब कुछ मैंने उसमें डाले थे, और फिर इसको इस लपेट के इसमें रख दूंगी। और इधर देख सकते हो सारा सब कुछ करती हूँ। ये दूध था तो मैंने क्या किया, आज चावल को पहले हल्के से दूध में डाल के पका लिया सारा मसाला। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बादाम वगैरह है, सब कूट टूट के डालती हूँ। और ये इलायची है, इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने कहा कि इलायची, चलो मेरे पास इलायची थी उसको मैंने कूट के डाल दिया, तो उसका मतलब उसका स्वाद आ जाता, उसकी खुशबू आ जाती, बहुत अच्छा लगता। और इधर देखो कुकर में मैंने सब्जी डाली ही हुई है, गैस पे मेरी सब्जी पक रही थी। और फिर उस साइड मैंने चावल भी रख दिए थे, चावल भी बनाए थे, और साथ में इधर आटा लगाने लगी हूँ। आटा माड़ के रख दूँगी और थोड़ी देर फूलेगा तो फिर बनाऊँगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो कितने लोगों को पूड़ियाँ खाना पसंद है कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो निकल रही गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो आ जाओ खाने के लिए। वैसे भी ठंड के सीज़न में पूड़ियाँ वगैरह खाने में अच्छी लगती हैं, आप लोगों को पसंद है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देख सकते हो तो पूरी मतलब निकल आई हैं, पूड़ी को निकाल के साइड में रख दूंगी। और फिर बिट्टू कह रही थी मम्मी मुझे खाना है, तो यहाँ पे बिट्टू को देती हूँ। बिट्टू के डैडी पूजा कर रहे थे, और देखो हरी धनिया वगैरह डाल दिए। और चावल का अभी कुकर खुला नहीं था, वैसे भी चावल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब, तो बिट्टू को चावल वगैरह सब देती हूँ। फिर उसके बाद देख सकते हो बच्चों के खाने वाने के बाद मैंने कहा चलो पोछे लगाते। और आप देख सकते हो आज मैंने पैरों में अपने लगाए कलर, और क्योंकि आज नया साल था हमने कहा नए साल में कलर वलर लगाओ तो अच्छा लगता है, तो आज मैंने नए साल में कलर लगाया था। तो आप लोग बताइएगा। और पूरे अब जो भी सारा काम है, कहते ना एक घर को एक औरत ही सजाती है, और बगल में तो मंदिर रखा हुआ है, तो ये नया मंदिर है जैसे कि मैंने बताया था, उस मंदिर को मैंने हटा दिया और इस मंदिर में आज ही पूजा हुई। अभी आपको इस मंदिर के भगवान के सारे दर्शन कराती हूँ, वादे के साथ मैंने पूरा किया। और भगवान बस इसी उम्मीद से कि भगवान खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं लाइफ में, क्योंकि जो गया वो तो वापस नहीं आएगा, मगर जो अब है वो अच्छे रहे। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्यारे से भगवान गुरु भगवान ने पूजा की थाली, और यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था, और लाइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखे हमने सारा डेकोरेट करवाया बहुत ही, और ये सारा सब कुछ मेरे हस्बैंड ने किया। और ये नीचे देख सकते हो प्रसाद भोग लगा था, तो भोग में हमने बनाई थी खीर, तो मैंने खीर भगवान को भोग लगाया था। और यहाँ आप देख सकते हो पूरा मंदिर आपके सामने है,
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और देखो मेरा प्यारा मंदिर कितना अच्छा लग रहा, और ये पहले का मंदिर था उससे लगभग 2.5 गुना, अगर उसको एक बार डबल करो फिर आधा करो यानी 1.5 गुना बड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो को ये करती हूँ।